Assalamu alaikum students. Today we learn about the question number 3, remaining part of question number 3. Aur question number 3 ke five wala part hai. Reduce into lowest form. X plus 2 into x ke minus 1, x plus 1 x ke minus 4. सबसे पहले इन फार्मूलाज को इनको फार्मूला बनाएंगे फिर इसको ओपन करेंगे. तो x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख ले तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सिर्फ नीचे देखेंगे x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल होता है, इसको 2 स्क्वायर में डाल देगा. ये दोनों फार्मूला की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपका फार्मूला था, इसका फार्मूला a प्लस b इनटू a माइनस b. उम्मीद है आपने वो रख किए होंगे. x plus 2 into x plus 1 x minus 1 यानी a plus b और a minus b इसका फार्मूला होता है. नीचे भी देखें तो a आपके पास x है, b आपके पास 2 है, तो a plus b और a minus b, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे. अब जो कट रहे हैं वो काट देंगे. जैसे x plus 2 से कैंसिल हो जाएगा, x plus 1 x plus 1 से आपके पास आंसर आ जाएगा x minus 1 over x minus 2. 6 वाला पार्ट है इसका x square minus 4 x plus 4. ये भी फार्मूला बन जाएगा, x का स्क्वायर 4 का 4 या 2 का स्क्वायर बनेगा. तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 a भी होता है, माइनस 2 a आपके पास x है, b आपके पास 2, यानी 2 a भी दिया गया. अब ये फार्मूले को आप क्लोज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर. 4 को भी आप 2 स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे, ये भी फार्मूला बन जाएगा x प्लस 2 इनटू x माइनस 2. तो ये x minus 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का पार्ट देखें तो 64x is 5 minus 64x divided by 8x square plus 8 into 2x plus 2. अब इन दोनों में से 64x highest common factor इसका 64x आ रहा है, यहाँ पर रहेगा x raise 4 minus 1. नीचे देखें तो यहाँ से 8 काम ले लिया और यहाँ से 2 काम ले लिया, यहाँ पे x 8 plus 1 यहाँ पे x plus 1. अब 64x यहाँ पे आ गया, इसको आप स्केयर की फॉर्म लिखेंगे तो स्केयर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर 4, तो 1 का स्केयर 1 होता है, इसको भी फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लिया. नीचे देखें तो 2 8 आर 16 x स्केयर प्लस 1 और x प्लस 1, ये फॉर्मूला खोलेंगे तो a प्लस b इंटू a माइनस b, ये दोबारा इसको स्केयर की फॉर्म लिखेंगे 1 तो ये आपके पास ओवर जो है वो फैक्टराइज हो जाएगा. तो x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 ये आ जाएगा, और जो भी कट हो रहे हैं काट देंगे, बाकी आपके पास आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल, x प्लस 1 से कैंसिल, आपके पास आंसर आ जाएगा 4x इनटू x माइनस 1. क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर. अब 9 को इस तरह लिख सकते हैं 3x स्क्वायर कंबाइन दोनों का स्क्वायर आ जाएगा माइनस x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर था डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x माइनस. अब ये भी फार्मूला बन गया आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, इसको भी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देंगे. तो a प्लस b यानी 3x प्लस x स्क्वायर माइनस 4 और एक बार माइनस में लिखेंगे तो 3x माइनस 4x माइनस 4 आ जाएगा. अब प्लस हो तो साइन चेंज नहीं होंगे, माइनस हो तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. अब 3x माइनस x स्क्वायर प्लस 4 इसको आपने अरेंज कर लिया इस फॉर्म में, तो ये सारी टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी, बाकी आपका आंसर आ जाएगा. तो अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लेना.